मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप अपने डेली रूटीन में न जाने कितने ब्रिजेस पर चलते होंगे, पर एक बात आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में ऐसे कई ब्रिजेस हैं जो देखने में बहुत ही अजीबोगरीब हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरीश और मॉडर्न बाबा के एक और बहुत ही रोमांचक एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा एक एपिसोड है दुनिया के 10 सबसे बड़े हवाई जहाज, उसे सभी ने बहुत ज़्यादा सराहा है और उसी के जैसा फिर से आपके सामने हम लेकर आए हैं दुनिया के 7 सबसे खतरनाक ब्रिजेस, जिसे सुनकर आप एक बार फिर से रोमांचित हो उठेंगे। तो नंबर 7 पर है हमारे पास कैनोपी वॉक घाना में। यह पुल एक रेन फॉरेस्ट में आपके टहलने के लिए नहीं है, 40 फीट ऊपर हवा में झूलता हुआ यह ब्रिज सिर्फ ब्रिज ही नहीं जो डरावना है, जंगल में बंदर, पक्षियों और बड़े बड़े पेड़ों के बीच चलने का मौका देता है। और हाँ, आपको जब डर लगे तो ऐसा नहीं है कि आप पीछे मुड़कर दौड़ना शुरू कर दें, ये ब्रिज 1000 फीट लंबा है। नंबर 6 पर है हमारे पास लैंकवी स्काई ब्रिज मलेशिया। जमीन के 400 फीट ऊपर झूलता हुआ यह ब्रिज मेंटेनेंस के लिए काफी बार बंद हो चुका है, अब यह आम लोगों के लिए पूरी तरीके से खुला हुआ है। पर यह 2 साल के लिए बंद क्यों हुआ था? लैंकवी के पास एक छोटे से वैकेशन स्पॉट की अफवाहें तो ये बताती हैं कि ऐसा इसलिए था क्योंकि यह ब्रिज गिरकर टूटने वाला था। नंबर 5 पर है हमारे पास माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में। क्या इस चीज का ख्याल आपको डरा देता है कि आप जमीन से 3000 मीटर ऊपर स्विस एल्प्स की ठंडी ठंडी हवा लेते हुए धीमे धीमे झूल रहे हैं? बहुत अच्छा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जरूर आप कोई आम इंसान नहीं है। भले ही कई फेमस स्कीयर और माउंटेनियर्स यहाँ पर हर साल पुल पार करते हैं और जाहिर तौर पर यह पुल दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तो नंबर 4 पर हमारे पास है मेक्सिको का पॉइंटे दे ओयुएला। किसी टाइम पे यह इसके नीचे स्थित माइनिंग टाउन पर कंटेनर के जैसा था, अब यह सिर्फ पदयात्रियों के लिए ही इस्तेमाल होता है क्योंकि अगर इसे कार या ट्रक पास होना चाहें तो वो पार नहीं कर पाएंगे। अब यह एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही इसे दुनिया का सबसे खतरनाक रोड में से एक के नाम में शामिल किया गया है। तो नंबर 3 पर हमारे पास है सनशाइन स्काईवे ब्रिज फ्लोरिडा में। 1987 में बना यह ब्रिज 1980 में एक बहुत ही भयानक टैंकर के टकराने से टूट चुके ब्रिज को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था, जिसमें 35 लोग मारे गए थे। इस हादसे के बाद बहुत सी अफवाहें फैलने लगी। ये और भी बदतर हो गया जब पता चला कि यह 200 लोगों से अधिक आत्महत्या करने वाले जगह के ऊपर बना है। तो नंबर 2 पर हमारे पास है एशिमा ओहासी ब्रिज जापान में। ये एक ऐसा एहसास कराता है जैसा कि आप अपने कार पर रोलर कोस्टर की राइड पे जा रहे हों। यह बिल्कुल ऐसा ही दिखता है जब आप इस जापानीज ब्रिज पर चढ़ेंगे। ये बात अलग है कि यह बहुत ही ज़्यादा ऊपर की ओर जाता हुआ दिखता है, जबकि इसका ग्रेडियंट मात्र 6.1% है और इसकी हाइट 144 फीट है। तो अंत में हमारे पास नंबर 1 पर है सिडू रिवर ब्रिज चाइना में। यह स्टील का बना हुआ ब्रिज दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज में से अपना नाम दर्ज कराए हुए है और यह शंघाई को चोंगक्विंग से जोड़ता है। 2009 में महज 100 मिलियन यूएस डॉलर में बना हुआ यह ब्रिज
सिर्फ बहुत अच्छे नज़ारे ही नहीं दिखाता बल्कि ये दुनिया के सबसे मजबूत ब्रिज में से एक भी है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो 7 खतरनाक ब्रिजेस के बारे में। हमारे वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया हो तो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे ऐसे ही अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।